तो सबसे पहले हमें बैक्टीरिया और मॉलिक्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसमें इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है और इनमें डिफरेंसेस क्या है बैक्टीरिया और मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो हम आज इनका इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन के बारे में। बैक्टीरिया एंड मॉलिक्यूल्स आर प्रोक्रियोट्स। मेनली ये सभी क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, प्रोक्रियोट्स होते हैं। दीज आर जनरली सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक मटेरियल इज नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन एंड देयर फोर इज नॉट कैटेगराइज इन टू एन ऑर्गेनाइज इन टू ए न्यूक्लियस। इसमें मेनली क्या होता है, जो भी अगर बैक्टीरिया होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, दोनों में क्या होता है, मतलब जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे ही पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कह लो या उसको प्रोटोप्लाज्म कह लो, उसके अंदर क्या होता है, ऐसे जेनेटिक मटेरियल पड़ा रहता है, मतलब डीएनए ऐसे ही पड़ा रहता है। इसमें कोई ऑर्गेनेलिज नहीं होती, जैसे न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह नहीं होता। ये आपको दो नीचे स्ट्रक्चर दिखाई गई है, कि यूकेरियोटिक सेल और प्रोकेरियोटिक सेल। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यूक्रियोट और प्रोक्रियोट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, दिस साइटोप्लाज्म इन मॉलिक्यूल्स इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन ओनली। अब मेनली डिफरेंस की बात आ जाती है कि बैक्टीरिया और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है। जो इसमें मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। हम पढ़ते हैं ना कि बैक्टीरिया में क्या होता है सेल वॉल, या प्लांट प्लांट्स में हम पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या होगी, सेल वॉल होगी। पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है, ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बट इन बैक्टीरिया इज सराउंडेड बाय ए सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। पर जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होगी और सेल वॉल भी होगी। ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया गया डायग्राम, इसमें देखो आपको सबसे पहले आपको दिखाया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सबसे पहली लेयर यही होगी, उसके बाद नेक्स्ट लेयर क्या होती है, सेल वॉल। ये किस केस में होगी, बैक्टीरिया में। पर अगर मॉलिक्यूल्स होगा तो ये स्ट्रक्चर नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है कैप्सूल। कैप्सूल तभी प्रेजेंट होगा अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद और स्ट्रक्चर है, जैसे फ्लैजिला हो गई या प्लाई हो गया। नेक्स्ट आ जाता है अबाउट 1600s बैक्टीरियल स्पीशीज आर नोन। मेनली इतनी सारी स्पीशीज नोन है बैक्टीरिया की, पर उनमें से कुछ ही स्पीशीज हैं जो प्लांट को डिजीज करती हैं। इनमें से ज्यादातर कौन सी हैं, सेप्रोफिटिक्स होती हैं। सेप्रोफिटिक्स का मतलब क्या होता है, कि वो कोई भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया उसके ऊपर ग्रो करती हैं, तो इसलिए हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज का काम करती हैं। लिखा हुआ है ना, बेनिफिशियल टू ह्यूमंस बिकॉज दे हेल्प डिकम्पोज द इनोमरस क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड ईयरली बाय ह्यूमंस एनिमल्स एंड फैक्ट्रीज एज वेस्ट प्रोडक्ट्स और बाय द डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये मेनली डिकम्पोजर के रूप में ज्यादातर काम करती हैं, और जो डी मतलब जो भी डेड मैटर के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, सेप्रोफाइट्स। अप्रोक्सीमेटली 100 स्पीशीज है बैक्टीरिया की जो प्लांट को डिजीज करती हैं। अबाउट 100 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया कॉज डिजीज इन प्लांट्स। मोस्ट प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या है, कि फैकल्टेटिव का मतलब है कि अपने नेचर को चेंज कर लेता है बैक्टीरिया। जैसे जब तो उसको डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा, कोई भी जैसे प्लांट्स हो गए या कोई भी एनिमल्स हो गया, तो उसके ऊपर ग्रो कर जाएगा, उसको डिकम्पोज कर देगा। और जब उसको कोई लिविंग मटेरियल मिला तो उसके ऊपर ग्रो कर जाता है। तो फैकल्टेटिव मतलब अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है वो, तो उसको हम क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स एंड कैन बी ग्रोन आर्टिफिशियली ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया। और इसको हम न्यूट्रिएंट मीडिया भी, न्यू मीडिया पे भी ग्रो कर सकते हैं लैब के अंदर। हाउएवर फैस्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया आर डिफिकल्ट टू ग्रो इन कल्चर। इसमें जो फैस्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया होते हैं जो जाइलम या फ्लोएम के अंदर ग्रो करते हैं प्लांट्स के अंदर, उनको लैब के अंदर कल्चर पर ग्रो करना मुश्किल होता है। कुछ ही हैं जो हम ग्रो कर सकते हैं, एंड सम ऑफ देम हैव येट टू ग्रो इन कल्चर। कुछ ही है जो हम ग्रो कर सकते हैं, पर ज्यादातर कौन जो बैक्टीरिया वेस्कुलर सिस्टम में रहते हैं, जाइलम या फ्लोएम में, उनको हम ग्रो नहीं कर पाते लैब के अंदर, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन अभी मुश्किल है। इसीलिए आगे हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म विच कॉज प्लांट डिजीज। फंजाई के बाद कौन सा सेकेंड मोस्ट ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, जो कि प्लांट को डिजीज करता है। दे आर प्रोक्रियोटिक सिंगल सेल्ड
ये प्रोकैरियोट्स उन्हीं को कहते हैं ना जो सिंगल सेल्ड होती हैं, मोस्टली ए क्लोरोफिलस, मतलब क्लोरोफिल नहीं होता इसमें ऑर्गेनिज्म, हुज बॉडी इज सराउंडेड बाय सेल वॉल। इसमें मेनली यह होता है बैक्टीरिया में सेल वॉल होगी, एंड न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। और इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल जो डीएनए होगा इसके अंदर, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ए क्लोरोफिलस का मतलब क्या होगा कि अगर इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो क्या होगा, ये मतलब हिटरोट्रॉपिक्स होगा, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहेगा, उसी से अपना फूड लेगा। नेक्स्ट क्या है, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया ऑफ मोस्ट स्पीशीज आर इनवेल्प्ड। नेक्स्ट में क्या है, जो भी बैक्टीरिया के अंदर ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या होता है, इनवेल्प होते हैं बाय विस्कस गमी मटेरियल्स। जैसे पहले मैंने आपको बताई थी लेयर्स के, सबसे पहले कौन सी थी, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे समझ लो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में सबसे पहली लेयर कौन सी होगी, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह लो इसको। जो नेक्स्ट लेयर हो जाती है उसको हम कहते हैं, जैसे नेक्स्ट लेयर होगी उसके बाद इसको हम कहेंगे सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऐसे ऐसे स्टिकी मटेरियल्स पे जमा हो जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर। अगर क्या होगा, वो थिन होगा और डिफ्यूजेबल होगा, चिपका होगा उसके, तो उसको हम कहेंगे स्लाइम लेयर। बट इफ थिक, फॉर्मिंग ए डेफिनेटिव मास अराउंड दिस सेल इज कॉल्ड कैप्सूल। पर कुछ ऐसी कंडीशन आती हैं जैसे मतलब क्या होगा, जब ये स्लाइम लेयर क्या होगी, थिक हो जाएगी, बहुत ज्यादा थिक हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, कैप्सूल। मान लिया आप जितने बैक्टीरिया पढ़ोगे, कैप्सूल क्या होता है, फिर कैप्सूल क्या करता है, इसकी एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्शन करने के रूप में प्रोडक्शन में प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। जैसे आप पढ़ोगे कुछ बैक्टीरिया हो गए, जैसे टेटनस का बैक्टीरिया हो गया, वो भी क्या करता है, हम कहीं भी जाते हैं, हम जैसे एक्सीडेंट हो जाता है ना कहीं भी, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे टेटनस का बैक्टीरिया ऐसे ही पड़ा रहता है। वो ऐसे ही क्यों पड़ा रहता है, क्यों नहीं मतलब खत्म क्यों नहीं होता वो, क्योंकि वो कैप्सूल की लेयर अपने ऊपर बना के ही रहता है, तो इसलिए वो एडवर्स कंडीशन में भी ऐसे पड़ा रहता है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, मेनली एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए कैप्सूल की लेयर अपने ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। दो बातें होगी, एक तो स्लाइम लेयर की बात होगी इसमें, दूसरा क्या होगा, कैप्सूल की बात होगी। नेक्स्ट आ जाती है, दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है, प्रोक्रियोट्स में ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ना प्लास्टिड्स होंगे, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। अबाउट 100 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया कॉज डिजीज इन प्लांट्स, मोस्ट प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। वही बातें हम पहले कर चुके हैं, एंड कैन बी ग्रोन आर्टिफिशियली ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया। हाउएवर फेस्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया आर डिफिकल्ट टू ग्रो इन कल्चर। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, बैक्टीरिया मे बी रोड शेप्ड, स्फेरिकल स्फेरिकल स्पायरल और फिलामेंटस। फिलामेंट जैसे क्या होंगे, मतलब रोड शेप होंगे, जैसे ऐसे रोड शेप होंगे, ठीक है, स्फेरिकल होंगे, गोल भी हो सकते हैं, स्पाइरल भी हो सकते हैं, ठीक है। फिलामेंटस, फिलामेंटस कैसे होंगे, जैसे ऐसे या तो बहुत सारे बैक्टीरिया मिल मिलकर ऐसे फिलामेंट बना लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिलामेंट्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही दिखते हैं, बिल्कुल बारीक दिखते हैं, मैंने तो आपको बहुत मोटे मोटे बना के दिखा दिए। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर रोड शेप्ड। अब मेनली हमने बैक्टीरिया फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा, कि जो बैक्टीरिया पूरी तरह मतलब नेचर में पाए जाते हैं वो कितने टाइप के हैं, रोड शेप भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, स्पाइरल भी हो सकते हैं, फिलामेंट्स भी हो सकते हैं, पर जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो प्लांट्स को डिजीज करते हैं वो कौन से होते हैं, ज्यादातर रोड शेप्ड ही होते हैं। पर एक्सेप्शन कई बार आती है, वो स्टेप्टोमाइसिस क्या आ जाती है, स्टेप्टोमाइसिस विच इज फिलामेंटस। ये दो ही तरह के ज्यादातर बैक्टीरिया, मेनली रोड शेप ज्यादातर पाए जाएंगे प्लांट पैथोजन प्लांट्स को डिजीज करने वाले, पर एक्सेप्शन के केस में स्ट्रेप्टोमाइसिस को आप याद रखोगे। सम बैक्टीरियाज कैन मूव थ्रू लिक्विड मीडियम बाय, सम बैक्टीरिया कैन मूव थ्रू लिक्विड मीडियम मीडिया बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला। ये फ्लैजिला के थ्रू क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, वेयर एज अदर्स हैव नो फ्लैजिला। पर कुछ में क्या होता है, फ्लैजिला नहीं होता, एंड कैन नॉट मूव देमसेल्व्स।
इसमें जैसे आपको ये आगे क्लासिफिकेशन दी थी इसके फ्लैजिला के आधार पर, जैसे सबसे पहले हो गया मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में क्या होता है, विद वन पोलर फ्लैजिला। अब जैसे क्या हो गया, जैसे मोनोट्राइकस में कैसे है, जैसे बैक्टीरिया होगा इसके किसी एक एंड पे ही फ्लैजिला होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोट्राइकस। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, लोफोट्राइकस, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। इसमें क्या होगा, जैसे बैक्टीरिया एक, इसके किसी भी एक एंड पे, या तो इधर वाले या किसी भी एक एंड पे क्या होगा, बहुत सारे फ्लैजिला होंगे, ठीक है। उसके बाद है एम्फीट्राइकस एट बोथ एंड्स। एम्फीट्राइकस में क्या होगा, जैसे ये बैक्टीरिया है एक, इसमें क्या होगा, एक तो फ्लैजिला इधर है और दूसरा इधर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्फीट्राइकस। पेरिट्राइकस में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड दी सेल्स और सरफेस। इसमें क्या होगा, जैसे ये बैक्टीरिया है एक, ठीक है, इसमें फ्लैजिला क्या होंगे, सभी साइड में क्या होंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एक है एट्राइकस, एट्राइकस में क्या होगा, बैक्टीरिया के ऊपर एक भी फ्लैजिला नहीं होगा, बैक्टीरिया लैकिंग फ्लैजिला। नेक्स्ट पॉइंट है, सम कैन ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ इनटू स्पोर्स। अब जैसे मैंने आपको स्ट्रेप्टोमाइसिस का एग्जांपल बताया था कि एक्सेप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिस की, तो ज्यादातर तो क्या होता है कि फ्लैजिला के थ्रू ही मूव करते हैं, पर कुछ केसेस में क्या होता है कि अगर फ्लैजिला नहीं है तो स्ट्रेप्टोमाइसिस में क्या होता है, वो स्पोर्स बना लेते हैं। स्पोर्स, इसमें स्पोर्स को कहते हैं कुनिडिया। मैंने हमने फंजाई में पढ़ा था ना, कुनिडिया बनते हैं। कुनिडिया मेनली क्या थे, एक टाइप के स्पोर्स थे। तो इसमें भी क्या होता है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिस होते हैं वो क्या करते हैं, कुनिडिया बना लेते हैं, और इसी के थ्रू वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। कुनिडिया की मेनली ऐसी शेप होगी, जैसे कहीं पे भी लग गया ये। उसके बाद ये मैंने आपको बहुत बड़े बड़े बना के दिखा रहा हूँ, पर बहुत बारीक बारीक होंगे, ऐसी इनकी ब्रांचेज होंगी अलग अलग। इस इन सभी में क्या होगा, ये सभी क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे अलग अलग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल प्रोसेस नोन एज बाइनरी फ्यूजन। अब जो जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो मेनली किस तरह डिवाइड करते हैं, किस तरह रिप्रोडक्शन करते हैं, मेनली बाइनरी फ्यूजन सॉरी। दिस अकर्स बाय द इनवर्ड ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल, फॉर्मिंग ए ट्रांसवर्स मेम्ब्रेनस पार्टीशन डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल पार्ट्स। इसमें मेनली क्या होगा, इसको समझ लेते हैं हम क्या कह रहा हूं मैं, एक मिनट। ये देखिए, जैसे समझ लो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसमें क्या होगा, जब भी इसको एक से दो बनने हैं तो क्या होगा, इसमें बीच में से हल्का सा ग्रोव ग्रोव बननी शुरू हो जाएगी, अंदर को धंसना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे ये दो में कन्वर्ट हो जाता है, बस यही बात कही गई है उसमें। हाँ जी, क्लियर है आपको जितनी बातें क्लियर हुई आज, सर। बस यही बातें करनी है आज, ठीक है, बाकी कल को करते हैं।